हेलो दोस्तों, आप लोग की ऑनलाइन जॉब प्रोसेस में स्वागत है। मैं सतोष कुमार, आप लोग की ऑनलाइन जॉब प्रोसेस में स्वागत करते हैं, करते रहेंगे। आज हम कुछ मिनट बात करने वाले हैं सर। आप लोग 2022 में अगर आप लोग पास करेंगे, वो दसवां वाले हो या इंटर वाले हो, जी दसवां वाले हो या इंटर वाले हो, वो जान जाइए स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप या ई कल्याण वाले फॉर्म भरने के लिए। जान सकते हैं कि हमारे कॉल भी आता है, कॉमेंट भी आता है और हमारे सर्वर के भी यहाँ पर लोग आते हैं कि सर जान जाइए सर हमारा ई कल्याण वाला फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वाला फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। आज के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को कब से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म भराना और आप लोग को जान चाहिए इस फॉर्म में आप लोग को भरने के लिए क्या क्या आप लोग को लगेगा। आप लोग को ए टू जेड प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जान चाहिए अगर आप लोग कुछ भी अपडेट आए तो आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बता सके। ई कल्याण में आवेदन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम जान सकते हैं कि 2021 में काफ़ी सारे लोग को भी परेशानी हुआ है क्योंकि जान जाइए उनका DOE मिसमैच हो गया था। सच में जान जाइए इनका DOE मिसमैच हो गया था और आप भी वो लोग आप भी बात आप लोग भी जानते हैं कि ई कल्याण वाले 2021 में अगर आप लोग को किसी भी घर या फैमिली में किसी भी मेम्बर का 2021 में पास किए थे उनका अभी तक जान सकते हैं कि अभी तक पैसा नहीं आया है या DOE मिसमैच हो गया था, आप लोग जान सकते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को अभी तक DOE सुधार नहीं करवाएं आप लोग को अभी टाइम है। इसका हम आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे आप लोग को इसका आप लोग को कब से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आप लोग जाकर आधार कार्ड मार्कशीट और आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर्स नेम यानी ए टू जेड मिलान कर ले और कैटेगरी आप लोग ए टू जेड आप लोग मिलान कर ले। चलिए आप लोग को सभी बताइए इसका आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं 12th का मार्कशीट अभी तक नहीं आया लेकिन आज का कुछ ही दिनों में आप लोग को मार्कशीट आप लोग को स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोग को मार्कशीट बांटाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जान सकते हैं कि उसके बाद आप लोग को बैंक अकाउंट नंबर आप लोग को पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, ये ना कहना था ज्वाइंट बैंक अकाउंट नंबर आप ना इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं ये सब फिलअप करने के बाद आप लोग को कॉलेज में आप लोग को मेरिट लिस्ट वहाँ पर आप लोग को देखना जाएगा आप लोग किन किन लोग आवेदन करेंगे उनका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें आप लोग को आवेदन होगा और उसमें आप लोग को नाम होगा तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए आप लोग को चलते अपना पीसीएस के आप लोग बता देंगे पेपर के माध्यम से आप लोग बताए थे कि सब लोग कब से स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले स्क्रीन पर। चलिए हम देख सकते हैं कि हमारे देख सकते हैं पेपर के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले जान ये लिखा हुआ है देख लीजिए, छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा इंटर पास छात्र जी देख लीजिए इंटर पास छात्राओं प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करें। सबसे पहले जान ये इसका आप लोग को देख सकते हैं इंटर पास छात्राओं प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करें। इसमें आप लोग को देख सकते हैं कि सरकार ने इंटर पास करने वाले अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की निर्णय लिया है। इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वही छात्र आवेदन कर सकते हैं। यही से जो जो लोग 2022 में इंटर पास किए हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं जी, जो अविवाहित है जिनका मैरिड नहीं हुआ है वही लोग आवेदन करेंगे। फर्स्ट डिविजन से इंटर पास देख सकते हैं छात्रों को 25-25 हज़ार रुपये, सेकेंड डिवीज़न से इंटर पास करने वाले को 10-10 हज़ार रुपये सबसे प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जो जो लोग फर्स्ट डिवीज़न से देख लीजिए तो जो जो लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं जी हाँ, जो जो लोग फर्स्ट डिवीज़न से 2022 में पास किए हैं उनको देख सकते हैं कि 25 हज़ार सरकार के द्वारा आप लोग को मिलेगा। देख लीजिए 25 हज़ार मिलेगा और जो सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं उनका 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा। हर्षवर्धन जी आप लोग समझ गए। उसके बाद देख लीजिए इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकने और गरीबी को अस्वीकृत करने के लिए पढ़ाई करने के लिए मदद करने के लिए आप देख सकते हैं इनका आप देख लीजिए इनका मानने है कि देख सकते हैं कि कम उम्र में लोग शादी कर देते हैं उसी कारण से आप लोग को इनके रोकने के लिए उनका मैरिड नहीं होना चाहिए ससुर जन जी और उन्हीं लोगों को आप लोग देख सकते हैं कि पैसा मिलेगा वो ऑनलाइन आवेदन करना आसान हो जाएगा। ससुर जन जी से आप लोग को देख सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा आप लोग को आवेदन किया जाएगा। आप लोग को यही वीडियो में आप लोग को बताने आ गया कि इसका आप लोग को ऑनलाइन आवेदन जल्दी प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। देख सकते हैं कि आप लोग को देख सकते हैं ऐसे करें आवेदन ई कल्याण में अधिक देख सकते हैं ई कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन करें, इस पर आप लोग क्लिक करना है। मुख्यमंत्री बालक मध्यमिका 10+2 प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए क्लिक करना है आप लोग को। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें और आप देख सकते हैं क्लिक कर दे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर 12वीं का देख सकते हैं 12वीं का स्क्रैच कैच कोड डालें,
देख सकते हैं, अब आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म के पूछे गई जानकारी भरे, दस्तावेज संकलन करे, हुई जानकारी देने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को ऐसा ऐसा आप लोग को अप्लाई करना, आप लोग को वीडियो बनाकर तो आप लोग को बता ही देंगे। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को। चलिए कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर हम आ गए हैं। देख लीजिए सकते हैं कि आप लोग आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता लगेगी। आधार कार्ड फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वोटर आईडी कार्ड देख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड होगा या नहीं उससे मतलब आप लोग को नहीं है। आय प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगा, बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड, 12वीं की मार्कशीट, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अविवाहित होने की घोषणा प्रमाण पत्र आदि। आप लोग समझ गए कि आप लोग को अविवाहित होने की घोषणा प्रमाण पत्र आदि आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा आप लोग बनवा ले दस जन बनवा ले होना कि आप लोग वहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जब आवेदन स्टार्ट हो जाएगा उस समय आप लोग बनवाने जाइएगा। तो आप लोग को जल्दी इसका आवेदन शुरू होने वाला है। जैसे ही आवेदन खुलता है आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोग को देख सकते हैं, अगर आप लोग को ए टू जेड आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को जब तक आप लोग को पैसा नहीं गया अब तक इस चैनल आप लोग को सपोर्ट करेगा। ये आप लोग को देख सकते हैं, अगर कुछ ही पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो के जरूर से कमेंट कीजिए। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना व्हाट्सएप में सरकार नहीं भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।